जब मुझे पहली बार पता चला था कि पैसा प्रिंट किया जाता है, तब मैं सोचता था अगर ऐसा ही है तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट करके गरीबी खत्म क्यों नहीं कर देती। एंड फ्यू डेज बैक आई गॉट द आंसर। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी आंसर को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट व्हाई कैंट आरबीआई प्रिंट अनलिमिटेड मनी। सबसे पहले आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक है एंड आरबीआई हमारे करेंसी रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करते हैं। आरबीआई की स्थापना हुआ था 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के सजेशन पर। आरबीआई को एक प्राइवेट बैंक की तरह एस्टेब्लिश किया गया था जो 1949 में कंप्लीट नेशनलाइज हुआ। तब से लेकर आज तक आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ठीक है, आरबीआई की बेसिक फंक्शन है करेंसी को इश्यू एंड ऑपरेट करना, इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सस्टेन करना, इंडिया की क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना। ऑल्सो आरबीआई इंडियन फॉरन रिजर्व को भी मैनेज करता है जो देश के बाहर इंडियन रूपी को मेंटेन करने का काम करता है। करेंसी इश्यूइंग की बात करें तो आरबीआई नोट्स एंड कॉइन्स की सफिशियंट सप्लाई एंड एक्सचेंज का काम करता है, साथ ही नोट्स एंड कॉइन्स का क्वालिटी का भी ख्याल रखता है आरबीआई। इनफैक्ट अगर कोई नोट खराब हो जाता है तो उसे आरबीआई मशीन के द्वारा नष्ट कर देता है। अच्छा, आरबीआई अप टू 10,000 का नोट प्रिंट कर सकता है। अगर इससे बड़ा नोट प्रिंट करना है तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करना होगा। अच्छा, बोले ऐसा होता। नोट प्रिंट करने से पहले आरबीआई अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू पता लगाता है कि कितने नोट सर्कुलेशन में है, कितने नोट पिछले साल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और कितने खराब नोट को एक्सचेंज करना है और कितने नोट प्रिंट करना है। इन सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर कॉइन एंड करेंसी डिवीजन के साथ कंसल्ट करता है, फिर डिसीजन लेता है कि इस साल कितने नोट को प्रिंट करना है। दैट्स मीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट के पास फुल पावर है कि वो जितने चाहे उतने नोट को प्रिंट कर सकते हैं। फिर भी क्यों आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करता? इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला, इंडिया में करेंसी नोट की प्रिंटिंग MRS यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार होता है। इस सिस्टम इंडिया में 1957 से लागू है। अकॉर्डिंग टू MRS, आरबीआई को एवरी टाइम 200 करोड़ का एसेट बनाए रखना होता है। इनमें से 115 करोड़ गोल्ड के रूप में एंड 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में होना चाहिए। इतने संपत्ति होने के बाद इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोट प्रिंट करता है। ऑन द अदर हैंड, नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर का साइन इंश्योर करता है कि इस नोट की वैल्यू के बराबर सोना या संपत्ति आरबीआई सेव करके रखा है। ये प्रॉमिसरी नोट नोट होल्डर को इंश्योर करता है कि वार, नेशनल कैलामिटी, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन जैसे किसी भी चीज में आरबीआई नॉन पेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो ये 100 रुपए का नोट है, इसकी एक्सचेंज वैल्यू की टेंशन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई इस नोट की सेम वैल्यू के बराबर गोल्ड या गुड्स पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट अगर आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट करता है तब क्या होगा? तब इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि इंडिया के पास अगर रिजर्व नहीं होगा तो आरबीआई जनता को नोट की कीमत पे नहीं कर पाएगा। ऑल्सो अगर आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट करता है तो इंटरनेशनल मार्केट में रूपी का वैल्यू गिर जाएगा। इस चीज को रूपी डिवेल्यूएशन कहते हैं। रूपी डिवेल्यूएशन के बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक आउट आफ्टर दिस वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। ओके। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना भी आरबीआई की फंक्शन में से एक है, यानी रूपी का वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रूपी का वैल्यू मेंटेन भी करना होता है। बट रूपी का वैल्यू मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। अब ये इन्फ्लेशन क्या है? आसान भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाना। वैसे तो इन्फ्लेशन के बहुत से रीजन है, उनमें से एक है सप्लाई एंड डिमांड। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ता है बट डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देता है जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। समझ गया। अगर इन्फ्लेशन कुछ देर के लिए रहता है तो इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बेसिक नीड को अफेक्ट करता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस सिचुएशन में अगर आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लोगों के पास पैसा आने से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगा और अगर लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगा। बट अगर डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाएगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर ऐसे ही लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा आते रहेंगे तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि कुछ रुपए में मिलने वाले चीजों की प्राइस 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग शुरू कर दिया था, बट इकोनॉमी सुधरने के वजह और बिगड़ गया था। इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन बन चुका था, करेंसी की वैल्यू इतना कम हो गया था और प्रोडक्ट की वैल्यू इतना बढ़ गया था कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए नोटों का बंडल लेके जाना पड़ता था। आज भी जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 60% है। इसीलिए इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग नहीं करता है। आरबीआई एंड गवर्नमेंट मार्केट में लिमिटेड मनी सर्कुलेट करके सप्लाई एंड डिमांड को एक बैलेंस्ड वे में मैनेज करता है। अच्छा, सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की और फाइनेंस के बारे में जानने के लिए हमारा बेसिक फाइनेंस का प्लेलिस्ट को चेकआउट करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
बट अगर आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट करता है तब क्या गुंडा बनेगा रे तू।